एंटीबायोटिक्स, नाम तो सुना ही होगा। इन्हीं एंटीबायोटिक्स की वजह से लाखों करोड़ों जानें बची हैं, शायद आपकी भी। और अगर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आ भी जाता है हमें बीमार करने, तो हमें अच्छे से पता है कि उसको कैसे खत्म करना है, शायद अब उतने अच्छे से नहीं। बैक्टीरिया दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है। आपको पता है, अगर दुनिया के सारे जीवों को मिला दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा दुनिया में बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया हर जगह मौजूद हैं। यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ भी। इतना ही नहीं, आपके शरीर में जितने सेल्स हैं उससे कई ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद है। जी हाँ, आपका शरीर बैक्टीरिया से भरा हुआ है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये बैक्टीरिया आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपके दोस्त हैं। ये आपके शरीर में पाचन से लेके आपको बीमारियों से बचाने तक कई कामों में आपकी मदद करते हैं। अच्छे लोग हैं बेचारे। लेकिन लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि बहुत से बैक्टीरिया हमें बीमार भी कर सकते हैं, और करते ही हैं निकम्मे। पर हमने इनका निपटारा करना बहुत पहले ही सीख लिया था। आपको नहीं पता, एंटीबायोटिक्स, कुछ गोलियां ली और सारे बैक्टीरिया खत्म। पुराने समय में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी तो बहुत से लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर जाते थे। मतलब आजकल जो बीमारियां सिर्फ एक गोली खाकर ठीक हो जाती हैं, तब लोग उन बीमारियों से मर जाते थे। लेकिन हमारे प्यारे फ्लेमिंग अंकल की वजह से, जिन्होंने 1928 में पहली एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था, हम बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया को चंद गोलियों से ही ठीक कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब अगेंस्ट, खिलाफ, बायो मतलब लाइफ, तो यहाँ पर लाइफ का मतलब है बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं या उसकी ग्रोथ रोक देती हैं, उसको बढ़ने से रोक देती हैं। तो अलग अलग बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स भी अलग अलग होती हैं, और ये एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरिया को अलग अलग तरीक़ों से ख़त्म करती है, जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ के, या उसके डीएनए को डैमेज करके, या किसी और तरह। तो ये एंटीबायोटिक्स काफ़ी स्मार्ट हैं, पर शायद हम नहीं। आजकल कई बीमारियां जो पहले आसानी से ठीक हो जाती थी, जैसे निमोनिया, टीबी, ब्लड पॉइजनिंग वगैरह, को इन एंटीबायोटिक्स से ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। बहुत से बैक्टीरिया जो पहले किसी एक एंटीबायोटिक से मर जाते थे, अब नहीं मर रहे। कुछ बैक्टीरिया को तो सुपर बग्स भी कहा जा रहा है, क्योंकि इन बैक्टीरिया पे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रही है। यहाँ पे हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जब भी हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो बहुत से बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बच भी जाते हैं। ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि अब ये एंटीबायोटिक उन बचे हुए बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगी, और इन बचे हुए बैक्टीरिया को आ गया है कि इस एंटीबायोटिक से कैसे बचना है। ऐसा तब भी हो सकता है जब आप अपने डॉक्टर की दी हुई एंटीबायोटिक्स पूरी तरह से ना खाएं। आपने कुछ दवाइयाँ ली, आप ठीक महसूस करने लगे, तो आपने कोर्स पूरा नहीं किया। इसके कारण भी बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं। वो बैक्टीरिया जो बच जाएंगे, जो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपने दवाई पूरी नहीं खाई है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे, और अगली बार उन पे वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। बैक्टीरिया बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, और उसकी एक और ख़ास बात ये है कि वो अपने बच्चों को तो अपने जीन्स दे ही देता है, साथ ही साथ वो किसी भी और बैक्टीरिया को अपना डीएनए, अपने जीन्स दे सकता है। तो मतलब अगर कोई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, अगर उसको उस एंटीबायोटिक से बचना आता है, तो वो अपने जीन्स किसी भी और बैक्टीरिया को दे के उसको भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कर सकता है, और इसी वजह से ज़्यादा बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स आपके शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर सकती है, जिससे खराब बैक्टीरिया को एक जगह मिलती है और ज़्यादा पनपने की। तो एंटीबायोटिक्स का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, उतने ही ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे। बहुत लोग छोटी छोटी परेशानियाँ जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, गले की खराश में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर से बिना पूछे ही लोग एंटीबायोटिक लेने लगते हैं, खुद के ही डॉक्टर बनने लगते हैं, और कभी कभार तो वायरल बीमारियों में भी, जो वायरस से होती हैं, जो बैक्टीरिया से होती भी नहीं है, उसमें भी लोगों को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए है, ना कि वायरस और किसी और चीज़ को। हमारी फसलों और खेतों में भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत से जानवर जिनको खाया जाता है, जिनका मीट खाया जाता है, उनको भी एंटीबायोटिक्स दी जाती है।
क्योंकि जिन कंडीशंस में वो रहते हैं वहाँ उनके बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि एंटीबायोटिक्स देने की वजह से उनका साइज़ बढ़ता है। तो आपने देखा कि किन अलग अलग चीज़ों की वजह से एंटीबायोटिक हमारे शरीर तक पहुंच रही है, और इस अधिक मात्रा में इस्तेमाल की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं, जिनको ख़त्म करना मुश्किल से भी मुश्किल होता जा रहा है, और हमारा इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हमें इन एंटीबायोटिक्स को समझदारी से इस्तेमाल करना होगा जब इनकी सही में ज़रूरत हो। एंटीबायोटिक्स हर बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, ना ही हर बीमारी बैक्टीरिया से होती है, इसीलिए हमें डॉक्टर के कहने पर ही इन दवाइयों का सेवन करना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। खूब सारे लाइक्स, खूब सारे सब्सक्राइब्स जो भी है। हम मिलते हैं अगले हफ्ते अपनी नई वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ।